वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन इज इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं ए बी के और सी डी के। आपको शो करना है कि लाइन सेगमेंट ए एफ दिस लाइन सेगमेंट एंड ई सी बाइसेक्ट्स दिस डायगोनल बी डी इन थ्री इक्वल पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन, तीनों पोर्शन इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द सॉल्यूशन विद द गिवन क्वांटिटी वी आर स्टार्टिंग। सो व्हाट आर द गिवन क्वांटिटी? वी आर गिविंग दैट ई एंड एफ are the midpoints of sides AB and CD, right? And we also know that ABCD is a पैरेललोग्राम जिसका कि डायगोनल बीडी है। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? हियर वी शुड राइट द व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी एंड इज इक्वल टू पी डी। तो ये हमें यहां प्रूव करना है। तो वी नो that ABCD is a parallelogram. We know this. If we know this, we know कि जो आमने सामने की साइड्स होती हैं, तो AB is parallel to DC. आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, वो पैरेलल हैं, and they are equal also. AB is equal to DC. And we know that we have to write the comment. Opposite sides of parallelogram. That's why we are able to return the statement, right? And here we know, हम क्या जानते हैं कि E midpoint है, किसका? A B का midpoint है. It's a midpoint of A B. ये भी हमें पता है. Now अगर ये मिड पॉइंट है, तो अगर हमें ए ई निकालना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ए ई दिस सेक्शन इज द हाफ ऑफ द कंप्लीट लाइन, इज द हाफ ऑफ कंप्लीट लाइन ए बी, राइट? एंड वी ऑल्सो नो कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, right? So we know that CF, अगर ये हाफ पॉइंट है और हमें CF निकालना हो, ये निकालना हो तो कंप्लीट लाइन का हाफ करना पड़ेगा. So that is a half of DC. So that we know. But we also know that AB is equal to DC, जो हमने यहां लिखा है. So because we know this, then we can write that CF is also equivalent to half of AC. ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. So now if this is the equation 1 and this is the equation 2, so from 1 and second equation, we can write the AE is equal to CF, यानी कि दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे और दोनों हाफ एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे. ठीक है, पैरेलल क्यों होंगे? बिकॉज अगर कंप्लीट लाइन सेगमेंट लेते हैं तो वो कंप्लीट लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं.
तो अगर ये कंप्लीट लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसकी हाफ लाइन भी इसके पैरेलल होगी, तो ये हम यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। तो फ्रॉम हियर वी नो कि एक साइड पैरेललोग्राम की पैरेलल हो गई, ठीक है, पैरेलल हो गई और इक्वल भी हो गई, ठीक है, एई एई सी एफ के पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई। इट मींस जो पैरेललोग्राम है एई सी एफ, ये जो पैरेललोग्राम है ये हमने प्रूव किया कि दिस इज अ पैरेललोग्राम, सो वी कैन राइट द स्टेटमेंट, सो ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एई सी एफ आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम जरा क्वाड्रिलेटरल को येलो से मार्क करते हैं, तो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल जिसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, राइट। एंड आफ्टर दैट वी नो दैट द क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एंड एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने यहां से निकाल लिया, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ अगर ये पैरेललोग्राम है तो ई सी जो दूसरी दो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, राइट, सो दिस साइड इज पैरेलल विद दिस साइड, राइट। सो दैट ऑल्सो इंप्लाइज दैट ई क्यू इज पैरेलल विद ए पी एंड ऑल्सो the QC is parallel with PF, right? So, अगर ये complete side इस side के parallel है तो इनका half, this side is parallel with this half and this half is parallel with this half, right? So, we can write this here, right? So, this is the statement. Now, we have to consider the red triangle. The red triangle is BPA. This is. So we know that this yellow line is parallel to this red line. So we can use our MPT, middle point theorem. So we can just write it that in the triangle BPA, E is the midpoint. Midpoint of what? AB. Right? So, हमने अभी conclusion निकाला कि EQ from this statement, EQ is parallel with AP, right? So we can say it is already proved, and also we can give the equation number. And if it is so, then from the MPT, middle point theorem, we know that this BQ, agar ye dono parallel hain, to ye BQ इसके ओ पी के इक्वल होगा एज पर द कन्वर्स ऑफ मिडल पॉइंट थ्योरम। मिडल पॉइंट थ्योरम यहां पर कहती है कि अगर कोई भी दो लाइन किसी भी ट्राइंगल में एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनकी जो साइड्स होंगे, जो उनकी साइड्स होंगी जहां पर वो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो दिस इज बाइसेक्टिंग this complete line. So we can say this is
converse of, we can write middle point theorem, MPT, we can write, right? So, say this is equation number third. Now, similarly, for another triangle, the green triangle, the triangle is C, Q, and D. This triangle I am going to consider. In this triangle, you can also see that DP is parallel with PQ with the similar proof. So, similarly, we can take up the triangle, the green one, that is C, Q, and D. This is the triangle I am going to consider. This triangle may be, if you can see, we can have that QC is parallel with PC, we proved here, right? So, we know that E, not E, here F, F is the point, F is the midpoint of CD, right? So, if it is a midpoint, then this relation I can write, the QC is parallel with PF. You can write it, and we already proved it. We can say that it is proved. And further, we can say that if it is parallel, so FC is equal to, this FC is equal to this line, right? Because F is a midpoint, and because of the MPT, we can write that PQ is equal to DP. So, this you can write, hence this DP is equal to PQ. That is converse of middle point theorem, MPT. So, here we know that this PQ is here and this is here. So, these two are equal. It means this BQ and DP is equal. So, we can say if this is equation number 4, we can say from 3rd and from 4th equation, we can write that DP is equal to PQ and is equal to BQ, right? So, this is we want to prove. So, hence it is proved. So, hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.